सो वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज अभी तक हमने देखा कि पार्टिकल जो है वो टू डायमेंशन में अगर रोटेट कर रहा है तो व्हाट इज हाउ वी कैन फाइंड इट आउट द एनर्जी लेवल्स ऑफ इट इफ इट इज ट्रैवर्सिंग इनटू अ रियल पिक्चर लाइक अ थ्री डायमेंशन, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड में टू डायमेंशन में कभी नहीं घूमता, इट इज ऑलवेज ट्रैवर्सिंग इनटू अ थ्री डायमेंशन। सो थ्री डायमेंशन मीन्स इट इज अ स्फीयर, स्फीयर में अगर वो ट्रैवर्स कर रहा है अपना पाथ तो उस पाथ को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट वी विल सी इट इन दिस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टिकल इन अ स्फीयर। लेट दिस बी अवर जेड एक्सिस, दिस बी वाई एक्सिस एंड दिस बी एक्स एक्सिस। सच दैट ये हमारा अगर थ्री डायमेंशन है एंड इफ यू हैव अ पार्टिकल इज ऑन हियर समवेयर, पार्टिकल इज समवेयर हियर, देन व्हाट वी कैन से इज दैट इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, दिस डिस्टेंस रिलेटेड बी आर, एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस that the projections on the z-axis can be given by let this be point P, let this be O, and here this distance will be our z, and is the जो xy plane पर projection है, लेट दिस बी पॉइंट पी एंड दिस बी पी डैश। सो एक्स वाई प्लेन का ये जो पॉइंट है दिस वी आर मेकिंग इट ऑन द प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन में नाउ वी कैन ट्रैवर्स दिस पाथ अलोंग मींस इसका जो एक्स एक्सिस था एंड ऑन द वाई एक्सिस। लेट दिस पॉइंट बी और दिस डिस्टेंस बी एक्स एंड दिस डिस्टेंस बी वाई। ये हमारा O से यहाँ तक का, लेट दिस बी ओ ए एंड दिस बी ओ बी। तो ओ ए डिस्टेंस बी एक्स एंड ओ बी डिस्टेंस बी दिस बी लेट दिस बी ऑफ बी। तो ओ बी डिस्टेंस बी वाई और ओ ए डिस्टेंस हमारा एक्स हुआ। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है इसका भी यहाँ पे ओरिजिन से इधर आएगा, तो लेट दिस एंगल बी पाई जो हमने लास्ट टाइम पे किया था सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ऑन ए रिंग। सो यहाँ पर जब भी हमने रिंग में जब हमने ड्रॉ किया था तो रिंग में जो पार्टिकल का जो वाई एक्सिस की तरफ का जो एक्स एक्सिस की तरफ का जो एंगल था दैट वी हैड नॉमिनेटेड एज फाई एंगल, और दिस ये जो होगा वो 90 माइनस फाई होगा। ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस वी हैड मेड इट एज आर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू ओ। ये वाला आर नहीं होगा बिकॉज ये डिस्टेंस जो है वो इसका पी का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में नॉट ऑन द स्फीयर का जो ऊपर का सरफेस है वहां पे नहीं आता है, ये अंदर में आता है। तो ये डिस्टेंस आर से थोड़ा कम होगा, नॉट आर, इट विल नॉट बी इक्वल टू आर बट थोड़ा कम होगा। हाउ मच इट इज दैट वी विल जस्ट फाइंड इट आउट। ये हमारा जो होगा वो जेड होगा। सो यहाँ पे ये जो एंगल होगा दैट इज एंगल विद द जेड एक्सिस, लेट दैट एंगल बी इक्वल टू थीटा। सो नाउ व्हाट वी कैन हैव इज दैट वी हैव थ्री वेरिएबल्स, वन इज आर, अदर इज थीटा एंड द फाई। सो नाउ व्हेन वी आर डीलिंग विद स्फीयर वी हैव पोलर कोऑर्डिनेट्स एज आर थीटा एंड फाई, थ्री पोलर कोऑर्डिनेट्स वी हैव लाइक व्हाट वी हैव इट एक्स वाई एंड जेड। हमारा जो स्फेरिकल हमारा जो सर्कुलर मोशन था पार्टिकल ऑन ए रिंग उसमें हमने टू डायमेंशन से देखे थे एक्स एंड वाई एक्सिस। सो एक्स एंड वाई एक्सिस देखे थे इसलिए हमारे पास आर और फाई दो ही वेरिएबल्स हमने वहां पे लिए थे। यहाँ पे हम एक और डायमेंशन बढ़ा रहे हैं जेड एक्सिस, सो यहाँ पर हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में भी एक डायमेंशन बढ़ रहा है दैट इज थीटा।
इसमें जो ये फाई है दैट विल बी ट्रेवर्सिंग ओवर होल रीजन, दैट इज फाई विल गो फ्रॉम 0 to 2 पाई, कंप्लीट 160 डिग्री होगा। आर इज अ कांस्टेंट बिकॉज हमारा पार्टिकल को हम सिर्फ स्फीयर पे ही घुमा रहे हैं, अंदर में नहीं ला रहे हैं। सो उसका प्रोजेक्शन अंदर में हमारा कम हो सकता है, लेकिन पार्टिकल हमारा स्फीयर की सरफेस पर ही रहेगा। देन वी हैव अनदर दैट इज थीटा। थीटा जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही आएगा, इट विल नॉट बी ट्रेवर्सिंग द बिलो वन, सो इट विल बी ट्रेवर्सिंग ओनली 0 to 5। So theta will vary from 0 to pi, pi will vary from 0 to 2 pi, and r will remain constant for this particular motion. Now, when we are looking at particularly यहाँ पर, तो हमें इसमें जब भी सॉल्व करना है श्रोडिंगर इक्वेशन या हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करना है, तो वी विल नीड टू कन्वर्ट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, जो हमने लास्ट टाइम पे भी किए थे। लास्ट टाइम वाला इजी था, सिर्फ यहाँ पर टू डायमेंशनल फिगर था, सो वी हैड नॉमेनक्लेटेड देम इनटू अ पर्टिकुलर वे, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास एक थीटा टर्म और बढ़ रहा है, सो वी विल नीड टू सी हाउ वी कैन कन्वर्ट this xyz coordinates into r theta phi coordinates. xyz coordinates को r theta phi coordinates में हम कैसे convert कर सकते हैं, that we will first see it from here. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसका p का perpendicular हमने यहाँ पे draw किया है, p dash. p we have drawn a perpendicular p dash such that op dash हमारा जो distance होगा, that op dash distance will be equal to P, this TP distance. इसका एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है जेड एक्सिस का, इस P के साथ का जो डिस्टेंस है ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसलिए ये डिस्टेंस भी सेम रहेगा। सो व्हाट वी विल हैव इज OP डैश विल बी इक्वल टू TP. TP हमारा क्या है, दिस इज ऑपोजिट टू दिस थीटा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है R, और ये ऑपोजिट है, सो वी कैन हैव टी पी विल बी इक्वल टू, और वी कैन हैव साइन थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट, दैट इज टी पी अपॉन हाइपोटेन्यूस ओपी। हाइपोटेन्यूस हमारा ओपी है और हमारा ऑपोजिट साइड है टी पी, यहाँ पे ये ऑपोजिट साइड टी पी है इन ए ट्राइंगल ओ TP. In a triangle OTP, we have sine theta equals TP upon OP. So TP will be, we need to find it out, and OP is our R, so that we can have TP is equal to R sine theta. So यहाँ पे ये जो TP है R sine theta है, so यही यहाँ पर होगा OP dash में भी, because ये हमने perpendicular straight यहाँ पे निकाला है। So, ये जो ये भी हमारा स्ट्रेटली पैरेलली यहाँ पे नीचे आ रहा है, ओपी एंड पीपी डैश आर पैरेलल लाइन, ओपी एंड पीपी डैश आर पैरेलल लाइन, सो जो डिस्टेंस बिटवीन टीपी विल आल्सो बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ओपी डैश, सो वी विल हैव ओपी डैश विल बी इक्वल टू टीपी विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, देयरफॉर ओपी डैश विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा। सो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये हमारा डिस्टेंस हुआ, दिस डिस्टेंस इज आर साइन थीटा, ये हमारा डिस्टेंस हो गया हमारा आर साइन थीटा। नाउ दिस ओटी डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल में, ओटीपी ट्राइंगल में ओटी डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड इट आउट। सो In triangle OTP, we have cos theta equals, ये हमारा adjacent line है, इसलिए हम इसको cos theta दे रहे हैं। Opposite का तो हमने sin theta लिया था, adjacent line है, so cos theta लेंगे। This will be OT upon OP. OP is R, so this will be OT upon R
So we will have OT will be equal to R cos theta. And हमारा OT क्या है? OT is nothing but Z. So जो हमारा यहाँ पे X Y Z coordinate है, वो हमारा Z coordinate यहाँ पर है. So we have Z coordinate will be equal to R cos theta. So हमें Z coordinate यहाँ पे मिल गया. Now we will see about the X coordinate and Y coordinates. So यहाँ पे R sin theta है, this particular angle. So what we can make it is, ये अगर हमारा Y axis है, this is our X axis, और ये हमारा figure, ये पॉइंट P डैश पॉइंट है, such that this is our P point, this is A point, this is X, Y, ये हमारा O है, this is OP डैश, ये R sin theta, this is our R sin theta. We need to find out this OA distance and OB distance. OA distance and OB distance we need to find out. OB distance is nothing but AP dash. ये हमारा angle जो है ये phi है. This angle is phi. ये हमारा hypotenuse R sin theta है. So what we can do is that in triangle OAP dash, in triangle OAP dash we have यहाँ पे हमें ये निकालना है. So this is our adjacent line. So we will have cos theta. और cos phi equals OA upon hypotenuse, that is OP dash. This is OA is X and OP dash is R sin theta. So that our X will be equal to R sin theta into cos phi. So हमारा यहाँ पे ये OA हमको मिल गया X. Now we want to find out AP dash. Because OB and AP dash will be same. Because this is a perpendicular projection on the y-axis. So AP dash and OB will be same. So we can have it OB equals AP dash we can have, as this is our opposite to phi. So हम यहाँ पे भी sin theta sin phi लेंगे. We have sin phi equals AP dash upon OP dash. So AP dash is our Y upon OP dash is R sin theta. So if we solve this, what we will get is Y equals R sin theta into sin phi. Ye hamara Y A component ho gaya. So what we have is X component is R sin theta cos phi, Y component is R sin theta sin phi, and Z component is R cos phi, R cos theta. तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है, इनको हम स्फेरिकल या पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स इन दिस पर्टिकुलर वे, वेयर आवर एक्स कोऑर्डिनेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर साइन थीटा कॉस फाइ, वाई कोऑर्डिनेट बाय आर साइन थीटा साइन आर कॉस थीटा. सो दिस वी कैन इजीली convert them.